लिए तो ओके नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे ये फिल्म बहुत खूबसूरत लगी बहुत अलग लगी एंड आई थिंक ऐसी फिल्में ना और बननी चाहिए क्योंकि जो इस फिल्म से मैसेज है दैट लव जो होता है प्यार ऐसे देख के नहीं होता है कि हम किससे कर रहे हैं प्यार बस हो जाता है तो ये चीज़ मुझे जो उनका यू नो दो मेन मोटो जो है उनका इस फिल्म के लिए वो मुझे बड़ा खूबसूरत लगा एंड बहुत मुझे ऐसा लगता है कि बाकी लोगों को भी पूरी दुनिया को एक्चुअली ये समझ में आना चाहिए कि प्यार किसी से भी हो सकता है कभी भी और उसमें कुछ गलत नहीं है सब सही है बिल्कुल जिस तरह से LGBT कम्युनिटीज़ को हम जितने मॉडर्न बनते जा रहे हैं हम उनको ऐसे साइड करते जा रहे हैं लेकिन एक टाइम था राजा महाराजाओं के टाइम पे उनकी बहुत ही रिस्पेक्ट होती थी वो उनकी रसोइयाँ संभालते थे उनके कपड़े किस तरह के पहनेंगे ये सब डिसाइड करते थे लेकिन हम जिस तरह से आगे बढ़ते जा रहे हैं वेस्टर्न कल्चर में जा रहे हैं उस तरह से उन्हें और भी अवॉइड करते जाते आप मानते हैं कि और इन्हें सपोर्ट करने की ज़रूरत है मुझे ऐसा लगता है कि सपोर्ट करने के नाम पे ना कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि अलग तरीके से यू नो ट्रीट करने लग जाते हैं कुछ अलग अलग शब्द बना दिए हैं जो सुनने में अच्छे नहीं लगते हैं ना ही इनफैक्ट उनको सुनने में अच्छे लगते हैं उनको डिफरेंटली ट्रीट करना चालू कर देते हैं मुझे ऐसा लगता है कि नहीं है ज़रूरत इस चीज़ की हम सारे लोग पूरी दुनिया के सब इंसान हैं और हर एक इंसान के अंदर इंसानियत होती है तो मेरे हिसाब से कि मुझे ऐसा लगता है कि सब लोग एक बराबर हैं कुछ कोई अलग नहीं होता आपकी मैं बात करूँ ब्यूटीफुल साड़ी में बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है थोड़ा सा कुछ बताना चाहेंगे आपके आउटफिट के बारे में लाइक ज्वेलरी बहुत ही ब्यूटीफुल आपने केयरिंग किया है सब कुछ चीज़ें ध्यान से तो मैं जब ऊटी गई थी तो मैंने कुछ चीज़ बताई थी कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ एक ये चीज़ बताना भूल गई थी मैं एक प्रॉपर एक प्योर कांजीवरम साड़ी चाहती थी बिकॉज साउथ पार्ट में जाओ और कांजीवरम साड़ी ना लो तो ऐसे कैसे हो सकता है तो मुझे मैं चाह रही थी कि जब मैं ये साड़ी पहनूंगी तब मैं पूरा साउथ इंडियन लुक करूंगी तो मैंने ज्वेलरी एंड देन गजरा तो वो सारी चीज़ें ट्राई कर ली एंड मैं बहुत अच्छा मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है ये साड़ी पहन के बहुत सुंदर है ये बहुत ब्यूटीफुल लग रही है थैंक यू सो मच हम आपको ज़्यादा टाइम मिलेंगे थोड़ा सा ये विजुअल्स करेंगे कर लीजिए हाँ योर फेवरेट पोज भी कर सकती हैं आप कुछ भी क्लास पकड़ो वो ऐसे ही है छुट्टियाँ है बोलना ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ हर एक इंसान की जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है सो ऐसे प्यार देते रहिए और मैं आपको थैंक यू थैंक यू